दोस्तों नमस्कार, मैं आपको दूर चंद्रकांत हाजिर में और के साथ स्वागत है आप सभी का इंडियन स्मॉल बैंकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जो इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले करता हूं आपसे गुजारिश, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज कर दीजिए और साइड वाले घंटे को भी दबा दीजिए, उन्होंने क्या उसका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों दोस्तों आप कैसे हो, आपका परिवार किस प्रकार है? अच्छा ना दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले दोस्तों जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दोस्तों जो हमारे किसान भाई हो दोस्तों उनको जो सालाना 6,000 रुपये मिलते उनकी जो किस्त है उनके खाते में जमा हो चुकी है दोस्तों कल की डेट में। तो दोस्तों आपके से इस पे अपडेट दोस्तों बहुत सारे कस्टमर अभी के डेट में यानी आज के दिन दोस्तों आ सकते हैं विड्रॉल के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आप क्या करें दोस्तों, जो भी सेफ्टी की बातें होती है उनको फॉलो जरूर करें दोस्तों। और इसी प्रकार दोस्तों अब हम बात करते दोस्तों क्यूओएस पोर्टल के बारे में। देखिए दोस्तों आरबीआई के द्वारा दोस्तों बहुत सारे हमारे सीएसपी दोस्तों को कहा जा रहा है जो आपके पुराने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसे आप क्या करें फिर से रीप्रिंट करिए। कुछ रीजनों के कारण वो फॉर्म हमारी तरफ से मिसिंग हो चुके हैं, आप क्या करें कि आप वो फॉर्म फिर से प्रिंट करिए, कस्टमर की तरफ से आधार कार्ड फोटो लीजिए और वो फॉर्म फिर से हमें भेजिए। लेकिन दोस्तों क्या हो रहा है दोस्तों, हम जब ट्राई करते हैं वहाँ पे जाके अकाउंट नंबर डाल के हम जैसे ट्राई करते फॉर्म प्रिंट करने के लिए दोस्तों वो फॉर्म प्रिंट नहीं हो पा रहा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ बदलाव हो चुके हैं, क्यूएस पोर्टल में कुछ बदलाव हो चुके हैं और जो भी दोस्तों पुराने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फॉर्म प्रिंट नहीं हो पा रहे दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो मैनुअली फॉर्म होता है फॉर्म भर के दोस्तों आरबीआई को देना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों हम बात करने वाले दोस्तों अकाउंट ओपनिंग के बारे में। देखिए दोस्तों कोई कस्टमर आता है हमारे सीएसपी आउटलेट पे अकाउंट ओपन करने के लिए, आने के बाद दोस्तों हमको पूछते हैं कि सर आपका ऑलरेडी खाता है क्या सर, ठीक है जो भी जानकारी एसबीआई के द्वारा बताया गया उन जानकारी उस कस्टमर को हम पूछते। पूछने के बाद दोस्तों उनकी तरफ से डॉक्यूमेंट लेते, डॉक्यूमेंट लेने के बाद फॉर्म भरते, फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने के बाद दोस्तों हमें इधर आता है क्रेडिट सर्विस फेल का, आने के बाद दोस्तों वो अकाउंट 90% रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है और वो बंदे का ऑलरेडी एसबीआई में खाता नहीं होता है। हम परेशान हो जाते हैं और कस्टमर भी परेशान हो जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। और इसी के कारण दोस्तों हमारे सभी सीएसपी परेशान हो गए थे, अभी भी परेशान है, ठीक है लेकिन दोस्तों मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ वो एरर ज़्यादा नहीं आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थे जो मैंने आपको बताया दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि सारी जानकारी आप सभी को पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद सभी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर जय भारत।